पॉलिटिकल मोमेंट, अभी जब देश में कैब एनआरसी ये सब चीजें जब चल रहा है, क्या होने वाला है हम लोगों के साथ हम कुछ नहीं जानते। एक तरफ है कि जी बिल वो हम बोल नहीं सकते, नाउ दिस इज एक्ट, अभी राष्ट्रपति ने उसको साइन कर लिया, दिस इज नो लॉन्गर एज अ बिल। अभी उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर चालू होगा बहुत बुरा असर आएगा। सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी तो एक पार्ट है वो उसका, मेन जो प्रॉब्लम होता है दैट इज द सेल्फ आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, वो उसके बिल्कुल नहीं है जो नासा हम चाहते हैं कि इसलिए नासा का जो जो क्लॉज है वो वापस आए। दूसरा बात है ये इतना वेग है, इतना ग्रे है, ये टीजी बिल या एक्ट जो भी बोलो, वो हमें बोल रहे हैं कि ट्रांजिशन के लिए सपोर्ट मिलेगा, दैट्स इट। अब जैसे सरिता मैडम ने बोला, क्या प्रोसेस के लिए क्या सपोर्ट मिलेगा, कौन देगा, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। और इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इसमें एचआरटी है, मैडम ने सही बोला, एचआरटी है, इसमें वॉइस थेरेपी हो सकता है, इसमें मेरा टॉप बॉटम दोनों सर्जरी हो सकता है, उसका कोई डेफिनेशन नहीं है। तो मतलब एक्चुअली इट विल बी कमिंग एज अ बिग डील, कुछ होगा होगा ही। नेशनल लेवल काउंसिल की बात ये लोग बोल रहे हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में स्टेट लेवल में कोई इसका सिस्टम नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई काउंसिल नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, व्हाट दिस शिट विल दिस नेशनल लेवल काउंसिल विल डू, हम नहीं जानते वहां कौन लोग बैठने वाले हैं। स्टेट लेवल में अगर कोई इसका ऑपरेशन नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल में अगर कोई ऑपरेशन नहीं होगा, जस्ट चार लाइन एक बिल पास हो गया, एक्ट बन गया, तो क्या साथ साथ